कलमना थाना क्षेत्र में गाड़ी को कट लगने के विवाद पर आरोपी ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। कलमना थाना क्षेत्र तहत विजय नगर में हुई मृतक लक्ष्मी नारायण चंदानिया है। पुलिस ने आरोपी विनय साहू को हिरासत में लिया है। आरोपी विनय हमाली का काम करता है। रविवार को उसके भतीजे का जन्मदिन था। विनय परिजन और मित्रों के साथ जन्मदिन मना रहा था। वह रात 8:30 बजे केक लेने के लिए घर से बाइक लेकर रवाना हुआ। मार्ग में विपरीत दिशा से बाइक पर आ रहे अजय से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। दोनों ही वाहनों की गति तेज होने से अजय की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। विनय के अनुसार अजय ने उसे लापरवाही से ड्राइविंग करने का बोलते हुए बाइक के नुकसान की भरपाई करने को कहा। अजय उससे पैसे मांगने लगा। विनय ने अजय को अपने भतीजे का जन्मदिन होने से केक लेने के लिए जाने देने को कहा। अजय बाइक के नुकसान के पैसे लेने के लिए अड़ गया। पैसे नहीं देने पर उसने विनय को घूंसे जड़ दिए। मुंह पर चोट आने से विनय भड़क गया। उसने चाकू से वार कर अजय को गंभीर जख्मी कर दिया। वारदात का पता चलने पर कलमना पुलिस पहुंची। उसने अजय को अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाइक के नंबर से पुलिस ने अजय के परिजनों से संपर्क किया, इससे उसकी पहचान हुई। पुलिस ने विनय को हिरासत में ले लिया है। काल कामठी येथे राहणारे खुशाल देवांगन आणि मृतक लक्ष्मीनारायण चंदानिया हे दोघे त्यांच्या मित्राच्या साक्षगंधासाठी विजयनगर कलमना येथे येत होते। त्यांना साक्षगंधाचं ठिकाण माहीत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी ज्याचं साक्षीगंध होतं त्याच्या भावाला फोन केला की आम्ही इथं आलेलो आहे, आम्हाला ॲड्रेस सांग। परंतु तो बोलला की तुम्ही जिथं आहात थांबा, मी तुम्हाला घ्यायला येतो। त्यांनी गाडी उभी केली। ते दोघं तसे त्यांचे दोघं मित्र देवेंद्र देवांगण आणि श्याम देवांगण हे पण आले। चौघांनी त्या गाडी उभी केली आणि वाटपात्र आले मित्राची। तेवढ्यात एक बाईकवर दोन्ही संभाले। त्यांनी लक्ष्मीनारायण चंदाने याच्या गाडीला धडक दिल्याने तो पाहतो की गाडीचं मडगर वगैरे तुटलेलं आहे। तो बोलला की तू ॲक्सिडेंट केला, माझ्या गाडीची भरपाई कर। म्हणून त्यांच्यात बाचाबाची झाल्यानंतर आरोपी विनय शाहू आणि विशाल शाहू या दोघांनी त्यांच्याशी झुमाझुमी केली। त्याच्यातच आरोपी विनय शाहू याच्याकडे चाकू होता। त्याने चाकूने मृतक लक्ष्मीनारायण चंदानिया आणि त्याचा मित्र श्याम देवांगण याच्या डोक्यावर मारलं आणि मृतकाच्या डाव्या छातीजवळ मारलं। एक त्याला एक घाव आहे, परंतु व्हायटल ऑर्गनला म्हणजे घाव बसल्यामुळे तो जागीच खाली कोसळला। त्याच्या मित्रांनी वगैरे त्याला हॉस्पिटलाइज केलं। डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केलं। जस्ट म्हणजे गाडीची डॅश लागला, त्यात त्यांचा वाद झाला आणि त्या वादाचं पर्यवसन। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।